गंगा स्नान करने के दौरान पटना में बड़ा हादसा हुआ। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के एलसीटी घाट के नजदीक गंगा नदी की तेज धार में 6 बच्चे बह गए। हालांकि 2 बच्चा किसी तरह पानी से बाहर निकल गया, जबकि 4 अन्य बच्चे डूब गए। सभी बच्चे गंगा नदी में स्नान करने गए थे। छानबीन के बाद 2 बच्चों का शव बरामद कर लिया गया है, वहीं 2 अन्य की तलाश जारी है। दोनों लापता बच्चों को गंगा नदी से निकलने के लिए गोताखोर और अन्य लोग लगे हुए हैं। सभी बच्चे रविवार सुबह गंगा स्नान करने गए थे। घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम और बुद्धा कॉलोनी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एक मृतक बच्चे के पिता पटना पुलिस में तैनात है। वही गंगा नदी में हुए इस बड़े हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई है। बड़ी संख्या में लोग गंगा घाट पर बच्चों की तलाश के लिए जुट गए हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।